पंजाब दीयां प्राइवेट लैबोरेटरियां च करोना टैसट हुण 2400 रुपए दे विच होवेगा। पंजाब सरकार वल्लों अमृतसर दी प्राइवेट लैब धोली खिलाफ दर्ज मामले तों बाद इह नवें हुकम जारी कीते ने। उधर दूजे पासे सरकार दे फैसले तों बाद लैब संचालकां दे सामने नवां संकट खड़ा हो गया। पंजाब दीयां कई लैब्स ने तय राशि लागत मुल तों काफ़ी घट होण दे बावजूद टैसट करन दा काम बंद कर दिता है, क्योंकि इस विच उहनां नूं दो गुणा रकम अपने कोलों भुगतनी पैंदी है। जानकारी के मुताबिक मार्च में कोरोना इन्फेक्शन शुरू होने के नाल सरकार वल्लों मदद लई प्राइवेट लैब्स नूं टैस्ट की मंजूरी दी सी अते उसके लिए 4500 रुपए तय किए सन। हालांकि कई हस्पतालों अते लैब्स ने इस तों अलावा भी कई तरह के चार्जेज वसूलने शुरू किए ने। इधर जदों सरकार ने सरकारी मैडिकल कॉलेजों के अधीन आउंदियां अति आधुनिक लैब्स शुरू कर दित्तियां, जिस तों बाद कुछ प्राइवेट लैब्स की रिपोर्ट नूं लैके कार्यजुगारी ते भी सवाल खड़े होने लग पए ने। इस दे दरम्यान सरकार ने उक्त हुक्म जारी किया। सेहत अते परिवार भलाई विभाग के वधीक चीफ सैकटरी अनुराग अग्रवाल ने सारे सिविल सर्जनों जारी हुक्म उक्त फरमान को पूरा लागू करने को कहा है। हुक्म में यह भी कहा गया कि इस GST अते होर टैक्स अते डाकूमेंटेशन अते रिपोर्टिंग की पिकअप पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन भी इस शामिल होंगे। निजी लैब्स में यह भी कहा गया कि वह टैसट दरों ठीक तरीके प्रकाशित कर टैसट का नतीजा सही समय से सरकार और ICMR के नाल साझा कर। इसके लिए ICMR के पोर्टल और पंजाब सरकार के पोर्टल से जानकारी देनी होगी। यही नहीं सगो कोरोना पॉजिटिव टैसट पाए जाने संबंधित लैब न जिला सिविल सर्जन ईमेल की राही सूचना भी देनी होगी। प्राइवेट लैब्स संचालकों में इस नवे हुक्म को लेकर दुविधा की हालत पैदा हो गई है। इन्हों का कहना है कि एक कोरोना टैसट में उन्होंने 3500 तो लेकर 4000 तक का खर्चा आ जाता है। अजिहे विच हुण उन्होंने लिए संभव नहीं है कि टैसट करन। कुछ लैब संचालकों ने तो अगे तो ही टैसट करन तो हाथ खड़े कर दिते ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कॉम टीवी। पंजाब दीयां प्राइवेट लैबोरेटरियां च करोना टैसट हुण 2400 रुपए दे विच होवेगा। पंजाब सरकार वल्लों अमृतसर दी प्राइवेट लैब धोली खिलाफ दर्ज मामले तों बाद इह नवें हुक्म जारी कीते ने। उधर दूजे पासे सरकार दे फैसले तों बाद लैब संचालकों दे सामने नवां संकट खड़ा हो गया। पंजाब दीयां कई लैब्स ने तय राशि लागत मुल तों काफ़ी घट होण दे बावजूद टैसट करन दा काम बंद कर दिता है, क्योंकि इस विच उहनां नूं दो गुणा रकम अपने कोलों भुगतनी पैंदी है। जानकारी के मुताबिक मार्च में कोरोना इन्फेक्शन शुरू होने के नाल सरकार वल्लों मदद लई प्राइवेट लैब्स नूं टैस्ट की मंजूरी दी सी अते उसके लिए 4500 रुपए तय किए सन। हालांकि कई हस्पतालों अते लैब्स ने इस तों अलावा भी कई तरह के चार्जेज वसूलने शुरू किए ने। इधर जदों सरकार ने सरकारी मैडिकल कॉलेजों के अधीन आउंदियां अति आधुनिक लैब्स शुरू कर दित्तियां, जिस तों बाद कुछ प्राइवेट लैब्स की रिपोर्ट नूं लैके कार्यजुगारी ते भी सवाल खड़े होने लग पए ने। इस दे दरम्यान सरकार ने उक्त हुक्म जारी किया। सेहत अते परिवार भलाई विभाग के वधीक चीफ सैकटरी अनुराग अग्रवाल ने सारे सिविल सर्जनों को जारी हुक्म में उक्त फरमान को पूरा लागू करने को कहा है। हुक्म में यह भी कहा गया कि इस विच GST अते होर टैक्स अते डाकूमेंटेशन अते रिपोर्टिंग की पिकअप पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन भी इस विच शामिल होंगे। निजी लैब्स में यह भी कहा गया कि वह टैसट दीयां दरां ठीक तरीके दे नाल प्रकाशित कर टैसट का नतीजा सही समय से सरकार और ICMR के नाल साझा कर। इसके लिए ICMR के पोर्टल और पंजाब सरकार के पोर्टल से जानकारी देनी होगी। यही नहीं सगो कोरोना पॉजिटिव टैसट पाए जाने संबंधित लैब न जिला सिविल सर्जन ईमेल की राही सूचना भी देनी होगी। प्राइवेट लैब्स संचालकों में इस नवे हुक्म को लेकर दुविधा की हालत पैदा हो गई है। इन्हों का कहना है कि एक कोरोना टैसट में उन्होंने 3500 तो लेकर 4000 तक का खर्चा आ जाता है। अजिहे विच हुण उहनां दे लई संभव नहीं है कि टैसट करन। कुछ लैब संचालकों ने तो अगे तो ही टैसट करन तो हाथ खड़े कर दिते ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कॉम टीवी।